गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराज्वाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गोपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत हरि भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हरि शरणम भक्त वांछा कल्प करु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री राधिका रानी श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके दूरभाष के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी के दैनिक श्रवण का एवं कथन का लाभ ले रहे हैं। 84 कोश ब्रजमंडल में श्री यमुना जी के परम पावन तट पर हम यहाँ बैठे हैं अपने श्री ठाकुर जी की सन्निधि में और आप सब लोगों के समक्ष कुछ श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करने का परम सौभाग्य श्री ठाकुर जी कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद की 15वें अध्याय तक की चर्चा हो चुकी है।
आज 16वें अध्याय में परीक्षित जी की दिग्विजय, परीक्षित जी ने दिग्विजय किया है और धर्म और पृथ्वी का संवाद जो परीक्षित जी ने सुना उसका वर्णन है। आज 12 तारीख है और ये जो सत्संग है वो 11 तारीख से चल रहा है। वैसे तो 10 तारीख से आपके घर से ही इसका शुभारंभ हो गया था, लेकिन 11 तारीख से फिर पहले श्लोक से और उसकी क्रमशः चर्चा चल रही है, एक एक अध्याय की। और जो जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, वैसे तो सभी श्लोक अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी अच्छे में भी जो बहुत अच्छे हैं, ऐसे श्लोकों की कुछ चर्चा करते हुए हम सब लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो लगभग एक महीना हो गया, तो एक महीने से हम सब लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। खूब आनंद, खूब सुख हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। और ये जो सत्संग है ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हम सब लोग कर रहे हैं। इसका हेतु केवल यही है कि हम सब लोगों को भगवान के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो, अनुराग हो, शरीर से संसार से वैराग्य हो, और जल्दी से ये हमारी जो यात्रा अनेक जन्मों से, अनेक युगों से जो चली आ रही है, जो यात्रा पूरी होने का नाम नहीं ले रही, अब वो यात्रा में हम जल्दी से शीघ्रता पूर्वक चलें और श्री ठाकुर जी की गोद पाकर के धन्य हो जाएं, हमारी यात्रा पूर्ण हो जाए, हम सब लोगों को परम शांति का अनुभव हो जाए, परमानंद का अनुभव, परमानंद में डूब जाएं। तो इस भाव से और हमारे हृदय की इस भावना को पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा कथा हम सुन रहे हैं, और कोई लौकिक हेतु इसमें नहीं है। हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कुछ महाराज जी कहा करते हैं कि भैया पेट भरने के लिए और कोई उपाय करो, लेकिन भगवान की कथा को पेट भरने का धंधा मत बनाओ। क्योंकि ये भगवान की जो कथा है ना, ये कल्याण का बहुत सरल सहज उपाय है। अगर इस कल्याण के उपाय को हमने पेट भरने का उपाय बना लिया तो फिर कल्याण किससे होगा? पेट तो दूसरे दूसरे साधनों से भी भर जाएगा, आजीविका की प्राप्ति तो वहां भी हो जाएगी, लेकिन ये कल्याण का बहुत सहज सरल मार्ग है। और इस मार्ग को, इस माध्यम को भी हमने पेट भरने का धंधा बना लिया तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए महाराज जी कहते हैं, भाई निष्काम भाव से भगवान के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो, इस भाव से कहो और इस भाव से सुनो। कोई लौकिक कामना लेकर न सुनना चाहिए न कहना चाहिए, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम। और फिर महाराज होता क्या है, महाराज जी कहते हैं कि जैसे किसान जो है वो खेती करता है, अनाज बोता है गेहूं की प्राप्ति के लिए, उसका उद्देश्य भूसे की प्राप्ति करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है अनाज की प्राप्ति, गेहूं की प्राप्ति। लेकिन पीछे से उसको गेहूं तो मिलता है, साथ ही साथ भूसा भी मिलता है, गेहूं के साथ उसको भूसा बिना चाहे भी मिल जाता है, बिना इच्छा के भी मिल जाता है। इसी प्रकार भगवान की कथा कहो ठाकुर जी के चरणों में प्रेम के लिए, उद्देश्य तो भगवान का प्रेम, और फिर पीछे से भूसा भी मिल जाएगा, भैया तुम्हारे पेट भरने का उपाय ठाकुर जी कर देंगे। हाँ, भगवान ऐसे, ठाकुर जी ऐसे उदार हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अपना गुण गाने वालों पर, अच्छा देखो यहाँ जो प्रचार प्रसारक होते हैं ना, जो बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, वो अपने प्रचार करने वाले लोगों को नौकरी पर रखते हैं, वेतन देते हैं, तो संसार के लोग भी प्रचारकों को कुछ ना कुछ देते हैं। तो भगवान तो बड़े उदार हैं, करुणा निधान हैं, हम लोग भी उनके प्रचारक हैं, हम कोई वेतन लेकर प्रचार नहीं करते हैं, निशुल्क प्रचार करते हैं। लेकिन वो परमात्मा ऐसे दयालु हैं कि अपने प्रचारकों पर, निशुल्क दासों पर, निशुल्क प्रचारकों पर बड़े प्रसन्न हो जाते, रीझ जाते हैं। वे सोचते हैं, भाई ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से मेरी सेवा में, मेरे गुणों के, मेरे नाम के, मेरे
मेरी कथा के प्रचार में लगा है, तो इसके लिए अगर कसर हो गई और इसके लिए कुछ कमी रह गई तो मेरे नाम पर धब्बा लगेगा, मेरे ऊपर कलंक लगेगा। इसलिए भगवान खूब कृपा करते हैं और पीछे से सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग उद्देश्य न बनाने, ये हमारे पूज महाराज जी कहते हैं। तो यही हुआ आम के आम और गुठलियों के दाम, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो महीने भर से सत्संग चल रहा है, उसमें हमें खूब सुख मिल रहा है। हमने तो आपसे प्रार्थना करी थी कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, और देखो हमें कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमको आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो है, लेकिन गुरुजनों की जो वाणी है, संतों की जो वाणी है, उस पर चलने का प्रयास करते हैं कि भाई हमें भले ही आवश्यकता है, लेकिन कथा कह कर के हम रुपया मांगे, दक्षिणा मांगे, बोले ये हमें सीखने को नहीं मिला, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। हमारे महापुरुषों ने भी सिखाया भगवान की कथा तो निस्वार्थ भाव से कहो, हमें भी यहाँ जरूरत बनी रहती है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सब देखनी है, लेकिन वो सब भगवान की दया से कृपा से हो रहा है, होता रहेगा और होता आया है, पहले पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो हम तो आपसे मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने अपने भाव समर्पित करते हुए, और महाराज अभी तो महीना तो आज हुआ है, 5-7 दिन पहले ही 10 दिन पहले ही, और सेवा आप सब लोगों ने सम्मिलित भाव से और भिजवाई, तो ये जो आपका भाव है हम इसका खूब खूब आदर करते हैं और खूब खूब धन्यवाद भी करते हैं। और इसी को कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ठाकुर जी की दया से सत्संग का लाभ भी हो रहा है, और जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं, जो व्यवहार की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी महाराज जय हो धन्य है, ऐसा सुख ये भगवान की कथा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से लगभग महीने भर से हम कथा सुन रहे हैं, और आज 16वें अध्याय की कथा हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। पृथ्वी के राजा हुए श्री परीक्षित जी महाराज, उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री सा उत्तरस्य तनया मुपेम इरावतीं जन्मे जया जींस चतुरस्त तस्या मुत्पाद यस्वतान। उत्तर की पुत्री इरावती से श्री परीक्षित जी ने विवाह किया, और उससे उन्होंने जन्मे जयादी 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें बड़े थे श्री जन्मे जी महाराज, जो परीक्षित जी के बाद राजा बने, और 4 भाई थे।